Hello everyone, my name is Sudhanshu Mishra and in our today's video we are going to continue our GUI series। इसमें बेसिकली हम लोग टीके इंटर की मदद से GUI को समझ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कई सारी वीडियोस अपलोड करके रखी है और आज इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग बेसिकली एक वेदर एप्लीकेशन का GUI बनाएंगे। ये बेसिकली एक मिनी प्रोजेक्ट होगा जो दो पार्ट्स में कंप्लीट होगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग GUI एप्लीकेशन के लिए मतलब GUI एप्लीकेशन बनाएंगे। देन सेकेंड पार्ट में हम लोग इसको किसी रियल टाइम एपीआई के साथ इंटीग्रेट कर देंगे जिससे ये रियल टाइम में वेदर बताए। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरीके का हम लोग इंटरफेस बनाएंगे। ये हम लोग का वेदर एप्लीकेशन का इंटरफेस रहेगा। जस्ट मैं इसको रन कर देता हूँ और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के एप्लीकेशन हम लोग के बन के सामने आएगी, जिसमें सपोज आप लोग कोई भी सिटी वगैरह का नाम डालोगे तो यहाँ पे उसका अपडेटेड वेदर शो करेगा। तो अभी ये स्टैटिक था, इसको हम लोग रियल टाइम में इंटीग्रेट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। इसके कंप्लीट जो है को ज्यादा बड़ा कोड नहीं, एक एक करके समझे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोगों ने प्रीवियस प्लेलिस्ट में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 6 वीडियोज ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इनमें हर वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो काफी सारी चीजें हमने बताई हुई, जैसे लेबल क्या होता है, एंट्री क्या है, बटन कैसे यूज होगा, ठीक है, उसमें डेटा कैसे अपडेट होगा। तो ये सब चीजों पे हम लोग रिपीट में ज्यादा टाइम नहीं, मैं एक आपको ओवरव्यू देता हुआ चलूंगा कि ये क्या है। अब कुछ चीजें नई, जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पैक प्लेस का यूज करते थे, यहाँ पे पैक है, तो उनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। बाकी जो चीजें ऑलरेडी देखी हुई है क्योंकि ये प्लेलिस्ट में चल रहा है, तो आप उनके लिए मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप एक सीक्वेंस में वीडियोस को देखें, तो आपको जल्दी समझ। जल्दी से मैं क्या करता हूँ, एक main.py नाम से पाइथन की फाइल बना देता हूँ। अब मैं अपनी किसी पुरानी वीडियो से, पुराने इससे कुछ कंटेक्स्ट कॉपी कर लूंगा, जैसे ये, क्योंकि फर्जी में लिखने में टाइम ना बर्बाद हो, हम उतना टाइम एक्सप्लेन करने पे फोकस करेंगे। मैं जल्दी से समझा देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, इम्पोर्ट एसटी फ्रॉम टीके इंटर। बेसिकली क्या रहता है, टीके इंटर एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर के सारे मेथड्स को मैं एक साथ इम्पोर्ट कर रहा हूँ बाय यूजिंग दिस एक्सट्री। अब इसके अंदर टीके, कैपिटल टी एंड के, क्या एक क्लास है। इस क्लास को हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से हम लोग इसके मेथड्स को यूज कर। अब ये रूट अंडरस्कोर मेन लूप क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे रन करते हैं। आप देखोगे कोड रन होगा विदाउट एनी एरर, बट हमें स्क्रीन पे कुछ शो नहीं होगा। रीजन क्या है कि स्क्रीन आई लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए आई जिसकी मदद से हम उसको देख नहीं पाए। तो ये मेन लूप एक इनफाइनाइट लूप की तरीके से है जो क्या करता है, इस स्क्रीन को विजिबल कर देता है अंटिल हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज। अब आप देखोगे ये रैंडम किसी भी प्लेस पे स्क्रीन आती है, इसमें कुछ लेबल टाइटल नहीं है, इसमें कोई क्या कहते हैं ये लोगो नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लगाए हैं बाय यूजिंग दिस कोड। तो टाइटल हमने डाला माई विन, इसको हम लोग डाल देते हैं बेहतर ऐप, ठीक है। देन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में अपने एप्लीकेशन की इससे कॉपी कर लूंगा कि क्या साइज रहेगी, ये मतलब यू मतलब मैंने देख के एप्लीकेशन में सारे कंपोनेंट के बोले। अच्छा ये हो गया एक्स है, हाई ये हो गया उसकी विड्थ और हाइट। अब सोचने वाली बात ये है कि भाई ये प्लस में 350 का, जिनने प्लेलिस्ट देखी उनको पता है। तो होता क्या है कि मैं बताया था आपको, विंडो कहीं पे भी प्रेजेंट हो जाती है। आप देखो विंडो कहीं पे प्रेजेंट हो जाती है। अब ये एक ही जगह पे बार बार आए, इसके लिए कोड है कि 50 यहाँ से 300 यहाँ से। इसको मैं बढ़ा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 550 एंड इसको कर देता हूँ मैं 100। अब आप देख लें ये पुरानी लोकेशन से अलग जगह पे प्रेजेंट होगा और ये हर बार अब यहीं पे आया करेगा। इसको 500 ही ठीक है, पहली चीज उम्मीद है समझ आई। फिर ये रिसाइजेबल फॉल्स, फॉल्स क्या है, रिसाइजेबल इज इक्वल टू फॉल्स बेसिकली क्या करता है, ये जो हमारी स्क्रीन आई है इसको हम खींच तान के बड़ा नहीं कर पाएंगे, ये बड़ी छोटी नहीं है। ये देखो कहीं से भी कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा जिसकी मदद से हम इसको खींच पाए, तो वो क्या है, हाइट भी फॉल्स और विड्थ भी फॉल्स। इसके बाद में ये इसके बैकग्राउंड के लिए मैंने पास किया है एंड फोटो इमेज, बेसिकली यहाँ पे मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है ये पाइथन, तो वो यहाँ पे एज अ लोगो शो हो रही है। वो कितना आप लोगों को क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोगों को स्क्रीन पे कुछ टाइटल्स डालने।
तो टाइटल्स के लिए हमको लेबल चाहिए होता है। लेबल एक बेसिकली हम वो प्लेस बनाते हैं जहां पे हम टेक्स्ट को पुट करेंगे। मैं यहीं से एक लेबल को कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। इसको हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि मैंने टीटी मतलब डायरेक्ट एस्ट्रिक लगा दिया था, सारे मेथड ही डायरेक्ट आ गए, तो लेबल भी एज अ फंक्शन वहां से उठ के आ चुका है, पहली चीज। अब लेबल बेसिकली वो एरिया बनाएगा। इस एरिया में हमको जो टेक्स्ट डालना है ये वो टेक्स्ट है। रूट क्या है कि ये एरिया किस विंडो के अंदर, तो हमारी जो मेन कंप्लीट विंडो बन के आ रही थी उसका नाम क्या है, रूट है। ठीक है, आप देखोगे सारे मेथड रूट में लगे हैं, इसीलिए लेबल किस में क्रिएट होगा, रूट में। देन ये हमारी एप्लीकेशन के अंदर का टेक्स्ट, देन उस टेक्स्ट का फॉन्ट, बैकग्राउंड एंड या फोरग्राउंड, बेसिकली टेक्स्ट का कैसा दिखेगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है, हम लोग प्लेस को तो जानते हैं। हम लोग प्लेस में क्या करते थे, एक्स और वाई पास करते थे, देख सकते हो एक्स एक्सेस पे कितने पिक्सल और वाई पे कितने। ये पैक क्या करता है, पैक बेसिकली ऑटोमेटिक अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर देता है। सबसे पहले इसको जस्ट पैक करते हैं, इसके सारी चीजों को समझते हैं। जस्ट मैंने पैक लगाया, पैक में क्या कर, इसने खुद से ही टेक्स्ट को अलाइन कर दिया। परफेक्ट, इसको एक बार मैं रिसाइजेबल को ट्रू करता हूँ तब आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। इसको भी ट्रू, इसको भी ट्रू, मैंने यहाँ पे इसको रिसाइजेबल कर दिया। अब आप देख सकते हो मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ। तो अब आप देखो तो मैं इसको जैसे बड़ा छोटा कर रहा हूँ उस हिसाब से टेक्स्ट को सेंटर में रख रहा है, खुद से अलाइनमेंट देख रहा है। अच्छा, ये तो पहली चीज हुई। अब अगर मैं क्या कर दूं, इसको साइड बता दूं, जैसे साइड इज इक्वल टू एक पैरामीटर है इसके अंदर। अब आपको अगर सर मेरे को नहीं पता कितने पैरामीटर, जैसे आप इस पे हॉवर करोगे आपको साइड में दिख जाएगा फिल साइड आई पैड एक्स पैड एक्स पैड वाई, इनमें से जितने यूजफुल हैं लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने डाल दिया इसको लेफ्ट, अब लेफ्ट में क्या करेगा, इसको देखो टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कर देगा, देख सकते हैं आप लेफ्ट में आ रहा है। इसी तरीके से राइट, आप मैं इसको राइट कर दूं तो ये सारे टेक्स्ट को कहाँ कर देगा, राइट के साइड में अलाइन कर देगा। वो फर्स्ट थिंग आपको क्लियर है। इसी तरीके से टॉप और बॉटम भी एक पैरामीटर है इस टॉप, ये हम लोग का टॉप में आ गया, एंड इस तरीके से बॉटम में भी चला जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फिल भी कर सकता हूँ, जैसे जो भी इसका बैकग्राउंड है। अब उस बैकग्राउंड को मैं फिल करना चाहता हूँ पूरी रो में, तो हम इसको एक्स एक्सिस पे डाल देंगे। तो अब ये देखें क्या करेगा, एक्स एक्सिस में इसको पूरा कंप्लीटली फिल कर देगा, बोथ करेंगे वाई एक्सिस करेंगे। आप इसको वाई में भी डाल सकते हैं, मैं सपोज इसको कर देता हूँ लेफ्ट। अब आप देखेंगे क्या कर देगा, वर्टिकली इस पूरे को फिल कर देगा। ये कुछ पैरामीटर हो गए जो हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, दो टेक्स्ट डालता हूँ, फिर आपको कुछ और चीजें समझाएंगे। मैंने यहाँ से क्या किया, इसको भी कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक, अब हम लोग जब इसको टेक्स्ट को लाएंगे यहाँ से फिल वाला ये पूरा हटा देते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों टेक्स्ट बिल्कुल आपस में सटे हुए आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जो टेक्स्ट आ रहे हैं कुछ पिक्सल्स के गैप पे आए, तो गैप को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पैड एक्स या पैड वाई। अब यहाँ पे पैड वाई चाहिए क्योंकि वर्टिकली पैडिंग चाहिए, तो पैड वाई इज इक्वल टू हम लोग डाल दे रहे 10, और यहाँ पे भी डाल दे रहे पैड वाई इज इक्वल टू, ऐसे पहले रन करके दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हो इसने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों साइड से क्या किया, कुछ पैडिंग ले ली। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा साइड फिल और पैड। अब ये क्या खुद से अलाइनमेंट देखेगा। अब मैं इसको अगर कहीं से भी एडजस्ट भी करता हूँ स्क्रीन को, तो अब आप देख सकते हो ये सारा टेक्स्ट उसी ऑर्डर में एडजस्ट हो रहा था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों को कॉपी पेस्ट कर लूंगा एज इट इज, और इसको मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। ये दोनों लेबल्स मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको व्यू आने लगेगा स्क्रीन पे, वेदर ऐप एंड लोकेशन। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट को डालने के लिए एक एरिया चाहिए था, तो एरिया में भी हम लोग क्या करेंगे, एंट्री फील्ड लेंगे। इसके बारे में मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि एंट्री फील्ड क्या होती है, कैसे वर्क करती है, तो
हम लोग जस्ट यहाँ पे इसको पुट कर रहे हैं, ये हमारा एंट्री फील्ड हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एंट्री फील्ड आपको क्लियरली विजिबल है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग पैड में थोड़ा सा डाल देते हैं, पैड वाई में, पैड वाई इज इक्वल टू 5। अब ये थोड़ा सही आएगा, परफेक्ट। अच्छा, अब आप चाहते हो कि यहाँ पे टेक्स्ट में कुछ चेंजेस हो जाएं, इसकी हाइट साइज कुछ बढ़ जाए, तो आपको सारा कुछ डिटेल में बताया गया, आपको जस्ट प्लेलिस्ट पे जाना है और उसको देखना है। इसमें क्या क्या हमने रूप में बताया अब चाहिए, और इसके अंदर किस साइज का, किस टाइप का टेक्स्ट इनपुट होगा, वो यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, और ये हो गया हमारा उस एंट्री की लोकेशन, जस्ट इतना ही हम लोगों ने यहाँ पे पास किया। अब आता है एक बटन, अब बेसिकली बटन लगाएंगे हम लोग। बटन में भी देखिए कुछ फिक्स पैरामीटर है, इसको किसके में चाहिए, तो हमने बताया रूट में चाहिए, बटन के ऊपर क्या टेक्स्ट आएगा, देन बटन में जो टेक्स्ट लिख के आएगा उसका फॉन्ट क्या है, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड सेम पैरामीटर से। इसमें भी हम लोगों ने पैक में पैड देके बटन को फुट कर दिया। आप देख सकते हैं सारा कुछ कितना आसान है, और सारा कुछ आसान है, बस क्या करना है आपको कंपोनेंट अलग अलग से उठाने और एक जगह पे फुट करने। जस्ट हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे और हमारा जो भी टेक्स्ट होगा, अब ये टेक्स्ट मेरे को चाहिए, वो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो हम एक फंक्शन लगा सकते हैं। आप फंक्शन बनाने पहले लगाने के लिए बनाना पड़ेगा एक फंक्शन, तो हम क्या करते हैं यहीं से फंक्शन कॉपी पेस्ट मार देते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कमांड हम दे सकते हैं। जैसे इस पे जैसे आप क्लिक करो तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड एंकर मास्टर सीएनएफ और कमांड। तो कमांड क्या है, बेसिकली बटन कमांड, इसको क्लिक करने पे क्या होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ही कमांड डाल देता हूँ, और कमांड मैंने एक फंक्शन कॉल करना है जैसे F1। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि F1 नाम का कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर मैं डेप्थ डाल देता हूँ F1, और इसमें मैंने क्या कर दिया, प्रिंट में डाल दिया हेलो। ठीक है, अब आप देखो ये हेलो को प्रिंट करेगा जैसे मैं इसको कॉल करता, स्क्रीन आई, बटन क्लिक हो, आप देखोगे हेलो को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को हेलो नहीं प्रिंट कराना है, और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे कुछ कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गेट वेदर नाम का एक फंक्शन आया हुआ है, इसको जस्ट मैं कॉल करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, और इस गेट वेदर को मैं कहाँ डाल देता हूँ, यहाँ। जस्ट सिंपल हो गया क्या, प्लेस की एंट्री गेट होगी, प्लेस की एंट्री कहाँ से आएगी, ये जो हम लोगों ने प्लेस होल्डर लगाया है, देखिए वेरिएबल का नाम इंपॉर्टेंट है, लोकेशन डॉट एंट्री में जो भी कुछ हो उसको गेट करो, गेट मेथड के थ्रू उसको प्लेस नाम के वेरिएबल में डाल दो, उसको प्रिंट करो, और ये वेदर डेटा डॉट कॉन्फिग में इस टेक्स्ट को डाल दो। अब ये वेदर डेटा डॉट कॉन्फिग क्या है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक वो बनाया है, क्या कहते हैं, तो सॉरी फ्रेम बनाया है, और इस फ्रेम में हम लोग कहाँ दे गए, ये हमारा फ्रेम रहा। अब इस फ्रेम को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, वेदर डेटा फ्रेम, इसको अभी तक क्रिएट नहीं किया इसलिए कमेंट डालते हैं। आप देख सकते हैं एक फ्रेम विदा वेदर इनफो टाइटल लेबल और एक एरिया क्रिएट हो गया। आप बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे कुछ जो भी यहाँ पर पड़ा होगा जैसे दिल्ली, तो आप देख सकते हो दिल्ली को हम लोग प्रिंट करा रहे थे तो यहाँ पे प्रिंट हो। अब इस फ्रेम के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, ऑलरेडी फ्रेम क्या करता है, जिन लोगों ने नहीं, जैसे हमने जैसे विंडो बनाई तो एक बड़ी सी विंडो बन के आई, उस विंडो का टाइटल क्या है, रूट है, रूट की मदद से हम उस विंडो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं अपने मेन विंडो के अंदर एक और एरिया, जैसे लेबल्स क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए होते हैं, कि लेबल में आप टेक्स्ट लगा सकते हो, लेबल में आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके कुछ काम कर सकते हो, कोई बटन वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक बड़ी सा कम बड़ा सा फ्रेम दे रहे हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ भी डाल सकें, हम कुछ लिख सकें, कुछ पैराग्राफ दिखा सकें, कुछ एंड आउट, तो यहाँ पे बेसिकली फ्रेम कहते हैं और एरिया होता है, हम चाहें इस फ्रेम के अंदर टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, बटन भी डाल सकते हो, कैसे, तो अब हमको क्या करना है, इस फ्रेम को कहाँ पे क्रिएट किया, रूट में, पहली चीज समझिएगा, हमने क्या किया इस फ्रेम को क्रिएट किया रूट में, टेक्स्ट डाल दिया वेदर इन्फो और लेबल एंकर, बेसिकली जो लाइन बन के आ रही है वो हमने पास कर दी एन।
अब इसको हमने पास क्या किया, पैड एक्स पैड वाई दिया है, फिल कर दिया है बोथ में, तो आप देख सकते हैं कि पूरे स्पेस में जो वाइट फिल हो के आ रहा है और एक्सपेंड हमने जस्ट डाला हुआ है। होप इतना आपको क्लियर है। जैसे मैं इसको पहले रन करता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं कंपोनेंट पूरा ही फिल्ड है। अच्छा, अब इसके अंदर मेरे को कुछ टेक्स्ट डालना है, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, वेदर फ्रेम जो है, अब जो टेक्स्ट लेबल जाएगा उसका नाम जो प्लेस आएगा वो तो वेदर वाला आएगा। जैसे ये रखिए आप वेदर फ्रेम, वेदर फ्रेम क्यों है, क्योंकि अब ये जो टेक्स्ट हम पेस्ट करा रहे हैं ये टेक्स्ट किसके अंदर जा रहा है, ये टेक्स्ट जा रहा है इस फ्रेम के अंदर, तो अब इस फ्रेम का टाइटल यहाँ पे आएगा, ना कि मेन रूट। अब पैड एक्स पैड वाई, अब ये पैड एक्स पैड वाई हमारे टॉप से नहीं, हमारे इस फ्रेम के अंदर मेजर किए जाएंगे, देन एक स्पेसिफिक टेक्स्ट। अच्छा, अब हो क्या रहा था, ये टेक्स्ट फिक्स है, इस टेक्स्ट को हमें डायनेमिक बनाना है, तो टेक्स्ट को डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वेदर ऐप डेटा, आप देख सकते हो वेदर डेटा हमारे सेम लेबल का नाम, और उसको हम कॉन्फिग की मदद से क्या करें, अपडेट कर रहे। कॉन्फिग क्या करता है, अपडेट करता है, जैसे इसका कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, यहाँ पे हमने कमांड डाला हुआ है, अब मैं चाहता हूँ इस कमांड को हम नीचे कहीं से पुट कराएं, तो हम क्या डालेंगे, गेट बटन डॉट कॉन्फिग, और इसके अंदर क्या क्या डाल देंगे, कमांड, तो हम कोई मेथड या कोई पैरामीटर डायरेक्ट वहां की जगह यहाँ से भी कॉल करा सकते हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ से अगर हम हटा भी देंगे, फॉर एग्जाम्पल जस्ट शो करने के लिए आपको, तो भी हमारा देखो प्रिंट वाला था, यहाँ पे मैंने डाल दिया दिल्ली और टेक्स्ट, तो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। अब हमने देखिए कमांड को ऊपर से हटा के नीचे डाला तब भी सेम काम कर, तो यही चीज हो रही है यहाँ पे इस टेक्स्ट से, देखा कर रहे टेक्स्ट ओवरराइट कर दे रहा है, जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है इसको ओवरराइट कर। अब हमको करना क्या, मेन आपको मोटिव भी बता देते हैं, जब भी हमें यहाँ पे कुछ एपीआई इंटीग्रेट करनी होगी हम उस एपीआई का इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे। यहाँ से क्या हुआ, हमें प्लेस के अंदर वैल्यू मिल गई, ये हमारा डायनेमिक डेटा आ रहा है, अब इसी के बीच में हमें उस एपीआई का इंटीग्रेशन करना होगा और हमारा सक्सेसफुल एप्लीकेशन तैयार, जिसे आप कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए वेदर ऐप टाइटल के साथ में हम यहाँ पे कुछ भी डालेंगे, लखनऊ गेट वेदर करेंगे, उसका अपडेटेड जो भी वेदर होगा वो हमको डिस्प्ले हो जाएगा। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है, शॉर्ट में बता दें, हमने कुछ टाइप ने फ्रेम के ऊपर काम किया, जो भी विंडो आ रही है, देन हमने कुछ टेक्स्ट डाले, बेसिक इनके बारे में बताया हुआ, सबके बारे में, इनके बारे में, ईच के बारे में डिटेल में बताया हुआ, स्टार्टिंग के प्लेलिस्ट में लेबल के बारे में बताया है, एंट्री के बारे में विद एग्जांपल, विद कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी बताए हुए हैं, ये बटन से फंक्शन कैसे कॉल होगा इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, लेबल फ्रेम के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, ये टेक्स्ट के बारे में सेम ही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसमें हम एक एपीआई इंटीग्रेशन का फंक्शनैलिटी बताएंगे, फिर नेक्स्ट कंपोनेंट में क्या करेंगे, प्रीवियस वाले को ना रिपीट करते हुए किसी नई चीज के ऊपर फोकस करेंगे। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, जल्दी मिलते हैं।